सुहान गोरलोदाग, तुम जानते हो इसे? वो दोस्त है। तो उसके डैड ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट क्यों की? इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। हेलो केमल, मैंने रिफत को कॉल किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। वो नॉर्मली मुझे बिना बताए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो, आज रात उन आदमियों को वहाँ से भेज दो, उन्हें वहाँ मत रखना। ठीक है, समझ गए। अभी क्या, अभी ये काम करो। हाँ अभी करता हूँ। मिस्टर सीजर को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम्हें अपने गन्स हमें देने पड़ेंगे। ये गन्स हमारे पास ही रहेंगी। चुपचाप निकालो। तो बुलेट्स हमारे पास, समझे? अगर गन्स तुम्हारे पास रहेंगी तो बुलेट्स हमारे पास रहेंगी। पकड़ो। रिफत से बात होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उनके आईडी कार्ड्स लो। अपने आईडी कार्ड्स हमें दे दो। लाओ अपने आईडेंटिटी कार्ड्स दे दो। ये लीजिए। रुक जाओ। हेलो केमल, ठीक तो हो? हेलो, हेलो केमल, हेलो, मेरा बेटा ठीक तो है ना? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं? हेलो केमल। हाँ बोलिए। क्या हुआ वहाँ पे, किसी को चोट तो नहीं लगी? गोली किसने चलाई? और जाकर देखो मेरी मॉम ठीक है कि नहीं। हम ठीक है मिस्टर सीजर, किसी को कुछ नहीं हुआ, वो भाग गए। मुझे तो लगता है कि वो रिफत के आदमी थे ही नहीं। ठीक है, मैं जल्दी आता हूँ। लाइट्स ऑफ करके घर को लॉक करो, और जब तक मैं नहीं आता वहाँ पर किसी को कुछ मत बताना, और ध्यान रहे कि कोलो दाग में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ। मैं रिफत को कॉल करने की कोशिश करता हूँ। ओके ठीक है, मैं समझ गया। मेरे साथ जो लड़की थी वो कहाँ? शायद कार में चली गई। ड्राइवर ने आकर उनसे कुछ कहा और वो उनके साथ निकल गए। थैंक यू सुहान। रघब, सुहान कहाँ पर है? कुछ लोग आए और बोले कि उनके भाई हैं और उन्हें बुलाने को कहा। कौन सा भाई आया था सुहान को लेने के लिए? मुझे पता नहीं, पर वो चिल्ला रही थी। वो उन्हें जानती नहीं थी, पर वो लोग जबरदस्ती उन्हें कार में उठा कर ले गए। अब समझ आया कि वो तुम्हें ट्रेजर क्यों बुलाता है। बंद करो। मैं इसे हटा देती हूँ ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। इसे यहीं रख दो। जरा मुझे एक ग्लास पानी ला कर दो। ठीक है दीदी। हेलो, एक मिनट, ठंडा पानी। ठीक है, अभी लेकर आई।
बोलो। दासीन, काम हो गया है। सुनो, मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? डोंट वरी दासीन, वो सेफ है। तुम्हारी अमानत हमारी अमानत है। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा, और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि वो कैसा आदमी है। मेरे आदमी प्रोफेशनल हैं, उन्हें अपना काम अच्छे से आता है। यू डू नॉट वरी। सुहान को समझ में आना चाहिए कि अपने कितने अहम होते हैं। सब तुमसे डरते हैं तासीन। बेटी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, तुम तो डेविल से भी लड़ सकते हो। अगर मजबूर किया तो मैं डेविल को भी उल्टा करके अपने पैरों तले कुचल दूंगा। बस इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी मुझ पर फिर से विश्वास करे। इसे दूसरी कार में डाल दो। से याद नहीं, पर वो हाइट में छोटा था और साइड से उसके बाल छोटे थे थोड़े। हाँ केमाल, ये अचानक रिफत गायब कहाँ हो गए हैं? और उनका फोन भी ऑफ जा रहा है। वीडियो सर्विलेंस का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वीडियो का रिकॉर्ड नहीं है? पता नहीं, सारे कैमरास ऑफ हैं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। सीजा का फोन है। हाँ, समझ गया। तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दे रहे केमाल? उन्होंने फोन काट दिया। वो बड़ी मुसीबत में है, सुहान को किसी ने किडनैप कर लिया। मिस्टर रिफत का फोन। हेलो बानू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या बात है? मैं कोल्लू दाग पुलिस स्टेशन में हूँ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। क्या क्या हुआ? हल्का रंग और उसकी दाढ़ी भी ऐसी ही थी। हाँ, वो एकदम ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल, आपने सही बनाया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। हेलो, आज तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो एक्चुअली गाड़ी कंट्रोल में नहीं थी और फिर वो पलट गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। रगब, मुझे जरा गाड़ी की चाबी देना। सर, तुम किसी को जानते हो जो ऐसा दिखता है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। कौन है ये? हाँ, वो एक्सीडेंट रिपोर्ट करने आया। मैं जरा गाड़ी तक जा रहा हूँ, कुछ भूल आया हूँ गाड़ी में। रुको जरा, वो भाग रहा है। हे रुको। हैव अ गुड नाइट ऑफिसर। आदमी ने सोहान को किडनैप किया है। ये सब तहसीन कोलोदाग ने करवाया है बानू।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो कहेंगे कि सीजर ने करवाया और पुलिस इस वक्त मेरे पीछे लगी हुई है। लेकिन तुम भाग क्यों रहे हो सीजर, तुमने कुछ भी नहीं किया है। मुझे उनसे पहले सुहान को ढूंढना होगा, तभी अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। तुम इनोसेंट हो, ये सुहान को यकीन दिलाना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि पुलिस को यकीन दिलाना है। समझ रहे हो मेरी बात? बानू, बानू तुम सोच भी नहीं सकती कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। सीजर, एक सेकंड रुको। जल्द से जल्द रिफत को ढूंढना ही होगा, वरना मिथात के आदमी। उन्होंने फोन किया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। मैं उनके लिए ही कोलुदाग पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ठीक है, तुम रिफत को जेल से रिहा करवाओ, मैं जाकर सुहान को ढूंढता हूँ। और जल्दी करो। सीजर, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम चिंता मत करो। सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाना होगा। सब अपनी आंखें खुली रखना, हर स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, वो जैसे ही कोलुदाग में कदम रखे मुझे इन्फॉर्म करना। जैसा आप कहें सर। एक्सक्यूज मी, क्या कमिश्नर मेहमत अपने कमरे में है? हाँ, वो अपने कमरे में ही है। थैंक यू। बस अब इन्हीं का इंतजार था। कमिश्नर मेहमत, आपने किस बेसिस पर मिस्टर रिफत को अरेस्ट किया है? प्लीज पहले बैठ जाइए। सुहान को किडनैप किया गया है। सीजर भाग गया जब उसकी स्टेटमेंट ली जा रही थी, और रिफत के पास से सुहान का आईडी कार्ड मिला है, तो हमने इंटरोगेट करने के लिए उसे अरेस्ट किया। क्या आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना काफी है? पर इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो तासिन कोलदा की वजह से असली क्रिमिनल्स आजाद घूम रहे हैं। सीजर कभी भी सुहान को हर्ट नहीं कर सकता, और तासिन कोलदा के और भी दुश्मन है जो सीजर से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर है। ये सुनो, अब सुहान तुम्हारी तरफ नहीं मेरी तरफ है। उससे दूर रहना तुम। अब तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम सच में बहुत बड़े फ्रॉड हो। सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। ओह, अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग पब्लिक प्रोसिक्यूशन है। देखिए, हमारे पास असली या नकली चेक करने का टाइम नहीं है। जब तक सीजर अलमदार यहाँ आकर अपनी स्टेटमेंट नहीं देगा, तब तक हम मिस्टर तासीम की कंप्लेंट ही कंसिडर करेंगे। उसने कहा कि एडमिट करो कि तुमने ही मेरे डैड को मारा है और मैं तुम्हारी बेटी को जाने दूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कह सकता। जब कॉल आया तो मैं मिस्टर तासीम के साथ ही था। ये सब एक साजिश है और मैं इस बात को प्रूव करके रहूंगी। लेकिन पहले मुझे मिस्टर रिफत से मिलना है। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। मिस्टर रिफात की लॉयर उनसे मिलना चाहती है, मिलने दो। बहुत हो गया, हम जितना अवॉइड कर रहे हैं प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। हालात यहाँ तक आ गए कि अब कंट्रोल के बाहर हो रहा है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अगर आप चाहें तो अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली मिस्टर तासीन के मुंह पर बोल सकते हैं। थोड़ा काम बचा है, फिर ये मैटर खत्म। हम सुहान को गराज से बचाएंगे और सीजर अलमदार जेल जाएगा, फिर ये मामला खत्म ही समझो। गौरहान, वेलकम होम मिस्टर तासिन। गौरहान, कहाँ है वो बेवकूफ? गौरहान, वो सो रहे हैं मिस्टर तासिन, इस रूम में नहीं अगले रूम में। कहाँ है वो इडियट? मुझे नहीं पता। सब ठीक है मिस्टर तासिन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो मुंह उठाकर यहाँ चली आई? बातों से लग रहा है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। क्या ये? वापस रखो इसे। क्या? वापस रखो, हटाओ इसे। ये क्या कर रहे हैं? डिवोर्स देने के बारे में सोच लिया है। क्या कर रही हो चाहिदे? तुम्हारे डिवोर्स के डिसीजन की ऐसी की तैसी। कौरहान,
लगता है दवाइयों ने बहुत अच्छा और जल्दी असर दिखा दिया है। नींद से उठो, उठो, उठो। क्या हो गया? तुम शराब पीकर यहाँ पड़े हो, तुम्हारी बहन किडनैप हो गई। क्या? सीजर ने स्वान को किडनैप किया है। क्या? ये सब क्या बकवास है? हम तो सारा दिन हॉस्पिटल में थे, हमें क्या पता? ये हो क्या रहा है? मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, अफसोस करेगा अपनी जिंदगी पर। पापा क्या आप सच कह रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए हुआ क्या है। आप ये इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि मैंने आपको गुस्सा दिलाया और आप मुझे अपसेट करना चाहते हैं? तुम्हें तो अपसेट मैं करूंगी, तुम बस देखते जाओ। क्या मतलब वो किडनैप हो गई और सीजर ऐसा करेगा क्यों? सीजर ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो तुम्हें सब कुछ पता है ना? उसने सुहान को धोखा दिया और शहर के बाहर ले गया अपने साथ। क्या? जानबूझकर एक्सीडेंट किया और फिर अब नाटक कर रहा है। पता नहीं आज हो क्या रहा है। आई होप वो ठीक हो। आपका दिमाग तो ठीक है, वो सुहान को किडनैप क्यों करेगा? मुझे परेशान करने के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए सुहान को किडनैप किया उसने, मुझे परेशान करने के लिए। कोई बात नहीं, हम यही हैं। आपको छोड़कर कोई नहीं जा रहा है। अपना ख्याल रखना बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा ठीक तो है ना? मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज रुक जाइए। हम घर की तलाशी लेंगे मैम। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, अंदर एक पेशेंट है और उन्हें अनजान लोगों से डर लगता है। हमारे पास सर्च वारंट है, आप देख सकते हैं। सीजर कहाँ है? शांत हो जाइए, वो यही है। इधर आ जाओ, एक एक कोने की तलाशी लो। कौन है? बाहर निकलो, बाहर निकलो, मैं अपने बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। बाहर निकलो, मैं फॉरेन अफेयर्स ऑफिस कॉल करूंगी। बाहर निकलो यहाँ से। देखिए फ्यूजन आंटी, ये सीजर को नहीं बल्कि एक चोर को ढूंढ रहे हैं, आप घबराइए। चोर? सबसे बड़ा चोर है वो तासिन कोरलुदाग, और उसे ढूंढना है तो उसके घर में जाओ। हम जा रहे हैं मैम, आप शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, बाहर निकलो मेरे घर से, प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। जी मैम, हम जा रहे हैं। वो हर जगह उसे ढूंढेंगे, जब तक वो मिल नहीं जाता। मिस्टर तहसीन, आपने अब तक सीजर के बारे में जो कुछ भी कहा या किया वो सब कुछ गलत निकला है, तो फिर अब अचानक से वो ऐसा कुछ क्यों करेगा, बताइए? तुम्हें सब पता है ना? तुम बहुत होशियार। मिसेस मेहरिमा, अगर आप सुहान के लिए कुछ नहीं करना चाहती तो मत कीजिए, पर इस तरह सबका मूड मत खराब कीजिए प्लीज। ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये सुहान की जिंदगी का मामला है, कोई पर्सनल इश्यूज डिस्कस नहीं करेगा यहाँ, समझ में आया? ठीक है। अब अगर किसी को भी सीजर के बारे में कुछ भी पता है तो वो सारी डिटेल्स पुलिस को देगा, किसी ने कुछ छुपाया तो वो गद्दार होगा। मुझे जो कुछ पता था मैंने सब बता दिया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे परिवार को हाथ लगाने पर क्या होता है सीजर। गराज का आइडिया अच्छा है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, पर वो जगह उनकी है, इसलिए नजर रखना। अब उसकी लॉयर वो बनू को तो जानते ही है ना, उसके डैड भी, वो भी इस सब का हिस्सा है। अरे उसका एक दोस्त था ना, एक पुराना दोस्त था जो पहले पहले पुलिस में था, चाय दे। उसका नाम क्या था? रिफत इल्बे है पापा। उसने कहा था कि कोरलुदाग और इस्तांबुल में कहीं उसका गराज है। मुझे पता है वो गराज कहाँ है। जैसे मुझे न्यूज मिली मैंने वहां चेक किया और मैंने पुलिस को भी बता दिया कि वहां कुछ नहीं। मैं उसे जान से मार दूंगा पापा। कुरान, कुरान, मेरी बात सुनो, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, तुम्हारी वजह से सुहान खतरे में पड़ सकती है, पुलिस का वेट करो। कुरान, अपने पापा की बात सुनो। से उसे गीला मत कर देना। हेल्प! चिल्लाओ मत। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो।
कार में मत चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला। तुम मुंह बंद रखो। सब तुम्हारी वजह से है, कहा था ना इसका मुंह मत खोलना। मैं जानती हूँ तुम सीजा के आदमी हो, तुम उसके इशारों पर काम करते हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे बॉस को भी। चुप हो जाओ अब। तुम सब जेल जाओगे।